जय हिंद साथियों, मैं हूं सुमित राणा। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चैतन्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो सबसे पहले प्रश्न हमारे मन में ये आना चाहिए कि हम आज मुराल पेंटिंग्स को डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में GI टैग मिला है सुराई कोवर पेंटिंग्स और तैलिया रुमाल के लिए। तो दोस्तों, ये आपकी जो सुराई कोवर पेंटिंग्स है, ये बेसिकली एक मुराल पेंटिंग्स है। और मुराल पेंटिंग्स है, ये ट्रेडिशनली मुराल पेंटिंग्स है जो आपकी झारखंड एरिया में, जो हजारीबाग एरिया है वहाँ पर ये बनाई जाती है। एक रिचुअलिस्टिक है जो कि आपकी जब हार्वेस्ट है, यानी कि जो फसल है वो तैयार होती है, तब ये बनाई जाती है। तो सुराई कोवर पेंटिंग्स के लिए GI टैग मिला है। GI टैग क्या होता है, इसको मैंने सब समझाया है एक वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और ये तो आपका जो तलिया रुमाल है, ये आपका कहाँ का है, ये आपका तेलंगाना का है, ठीक है। तो सुराई कोवर पेंटिंग्स के बारे में बताया मैंने कि हजारीबाग जो कि झारखंड में है, वहाँ पर ये बनाई जाती हैं। तो इसमें जो मुराल पेंटिंग्स का नाम आया है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसीलिए हम चर्चा कर रहे हैं कि मुराल पेंटिंग्स क्या होती है। तो चलिए दोस्तों, मुराल पेंटिंग्स पे चलते हैं। उससे पहले आपसे एक अनुरोध करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं। तो देखो दोस्तों, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो मान लो आप एक जगह पर बैठे हैं, एक दीवार के पास बैठे हैं, और आपके पास कोई काम नहीं है उस समय, और मोबाइल भी नहीं है। समझ लो आजकल तो मोबाइल होता है, तो आप मोबाइल पर चैटिंग या कुछ करना स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका टाइम है वो स्पेंड हो जाता है। लेकिन सोच लो कि आपके पास मोबाइल नहीं है और आप किसी दीवार के पास बैठे हैं, और आपने उस दीवार उठाया, कुछ लाल कलर की जो गिट्टी होती है उसे उठाया और उस पर लिखने लगे मीठा लफ्स मीठी, तो आपको तो बस इतना ही आता है, तो आपने उस पर इतना लिख दिया। लेकिन जब कोई चित्रकार होगा और उस दीवार पर वो ऐसी पेंटिंग, ऐसी चित्रकारी कर देगा, ऐसा कुछ बना देगा जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर होगी। तो भाई, जो दीवार पर जो सुंदरता बिखेरी जाती है, दीवारों पर और जो आपके सॉलिड स्ट्रक्चर हैं उन पर जो चित्रकारी करी जाती है, तो उन चित्रकारी को हम कहते हैं मुराल पेंटिंग्स। तो देखो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में कहें तो मुराल पेंटिंग्स वो होती हैं जो आपकी दीवारों पर, गुफाओं पर, जो सॉलिड स्ट्रक्चर हैं उन पर बनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर बेसिकली डेफिनेशन हो गई। तो ये आपकी जो मुराल पेंटिंग्स थी, तो ये आपकी बहुत ही पुराने टाइम से बनाई जा रही हैं। इनका जो एंशियन टाइम्स में हम देख सकते हैं, ये 10th century BC से 10th century AD के बीच आपकी रही हैं, ठीक है। तो क्या है सॉलिड स्ट्रक्चर और वॉल्स पर जो बनाई जाती हैं वो आपकी क्या कहलाती है, मुराल पेंटिंग्स। और इंडिया में ये बहुत पुराने समय से बनाई जाती आ रही हैं, ठीक है दोस्तों। इस तरह की जो पेंटिंग्स हैं हमें बहुत सारी लोकेशन पे देखने को मिलती हैं, और इनकी जो ब्यूटी है वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। और आपको ये जो देखने को मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी अजंता, साथ ही साथ अमरामलाई केप्स, रावण चक या रॉल्स रॉक सेल्टर में मिलेंगी, ये आपको बाघ केप्स में मिलेंगी, और आपको ये कैलाशनाथ टेम्पल्स जो एलोरा में है वहाँ पर मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं, तो आप सिंपली आंसर दे देंगे जो आपके सॉलिड स्ट्रक्चर और वॉल्स पर बनाई जाती हैं वो आपकी मुराल पेंटिंग्स होती हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आ जाएगा इन सारे के बारे में कि रावण चक या रॉक सेल्टर है, ये क्या है, मुराल पेंटिंग्स है या और भी टाइप बता देंगे, ठीक है, या वो है, या आपकी अजंता एलोरा के बारे में पूछ लेंगे कि ये किस टाइप की पेंटिंग्स है, तो आप सिंपली बता देंगे मुराल पेंटिंग्स है। अब तीसरा क्वेश्चन ये आ जाता है कि इसमें कौन से रिलीजन को शो किया गया है, कि हिंदू को किया गया है, जैन को किया गया है, बौद्धिस्ट को किया गया है, तो तीनों ऑप्शन दे देंगे, या फिर कहेगा कि तीनों किए गए हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है, जो वाली पेंटिंग्स हैं, जो मुराल पेंटिंग्स हैं, वो हिंदू, बौद्धिस्ट, जैन तीनों धर्म के लिए हैं, और इनमें तीनों की ही पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। तो एक बात आपको याद रखना है ये, एंड इसके जो आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ऐसे जो मुराल पेंटिंग्स के हैं, वो आपके एंशियंट थिएटर रूम जो कि जोगीवाड़ा केप्स में है, वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ लेते हैं। तो आगे देखते हैं कि जो मुराल पेंटिंग्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होती हैं, क्योंकि इनका जो साइज़ होता है वो बहुत ज़्यादा सीर होता है, सीर साइज़ की होती है, और इनकी ब्यूटी होती है वो बहुत ही अच्छी होती है और बहुत ही बेहतरीन होती है, ठीक है दोस्तों। और ये आपकी कहाँ बनाई जाती हैं यूजली, तो यूजली ये बनाई जाती हैं केप्स पर और टेम्पल्स वॉल पर।
तो दोस्तों बौद्धिस्ट हैं, जैनिज्म है और हिंदुज्म है, सबको ये रिलेट करके चलती हैं। और इनका जो बेस्ट एग्जांपल है वो आपको अजंता और एलोरा केव्स में जानने को मिलेगा। तो दोस्तों एक अब और बात कर लेते हैं, जो कि फेमस मुराल पेंटिंग्स हैं वो आपकी अजंता हो गई, आपकी एलोरा हो गई, और आपकी जो और आपकी एलोरा है और एक और है जो कि बाघ केप्स हैं। तो बाघ केप्स हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनमें पेपर में आपके सवाल भी आता है कि आपकी जो अजंता की गुफाएं हैं वो कहाँ पर हैं, एलोरा की गुफाएं हैं कहाँ पर हैं, या बाघ केप्स हैं कहाँ पर हैं। ये आपका छोटा क्वेश्चन हो गया, और इसके अंदर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो आपकी जो अजंता की केप्स हैं ये आपकी हैं महाराष्ट्र में। कहाँ पर है सर? ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद जिला है, औरंगाबाद का जो एरिया है, वहाँ पर ये आपको मिलेंगी। तो पहला क्वेश्चन आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया कि बंडे एग्जाम के लिए कि अजंता केव्स पेंटिंग्स कहाँ पर हैं। तो अजंता केव्स पेंटिंग है वो आपके महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। ठीक है दोस्तों, तो ये सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट सर्विंग मुराल है इंडियन सब कॉन्टिनेंट की। अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सबसे पुरानी जो हमारी मुराल पेंटिंग्स हैं, केव पेंटिंग्स हैं, वो आपकी कौन सी हैं? वो आपकी हैं अजंता की केव्स। ये आपको 14th century AD की वॉल्केनिक रॉक्स हैं उन पर बनी हुई हैं। इनमें जो टोटल केव्स हैं वो आपकी 29 केव्स हैं, और ये हॉर्स शू शेप की हैं। हॉर्स शू शेप मतलब जो घोड़ा होता है, घोड़े की नाल होती ना, उसी की तरह से कुछ इस टाइप का होता है ना, उसी टाइप की बनी हुई है। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि टोटल केव्स कितनी है, तो टोटल 29 केव है। और किस शेप में? हॉर्स शू शेप में है। और इनमें जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो पॉपुलर है वो उसके लिए उसकी पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और ये किसके एम्पायर के सामने, एम्पायर जब था तो बनी थी, तो मौर्यन एम्पायर के टाइम्स पर बनी हुई थी। किसके एम्पायर के टाइम पर बनी थी? तो मौर्यन एम्पायर के टाइम्स पर बनी थी। जिसके फेमस किंग कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने ही स्टार्टिंग की थी मौर्यन एम्पायर की, विष्णुगुप्त चाणक्य के साथ मिलकर। ठीक है, तो तीन बात याद रख लीजिए कि 14th century AD की हैं, 29 केप्स हैं, और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं, और किसके पीरियड में बनी थी? तो मौर्यन पीरियड में ये बनी थी। साथ ही साथ मुराल केप्स की जो केप्स नंबर 9 है और 10 केप्स है, 10 वो आपकी सुंग पीरियड की हैं। तो सुंग पीरियड की कौन सी है? 9 और 10। ये बात भी याद रखने की है कि 9th और 10th जो है वो आपकी सुंग पीरियड की है। जब क्वेश्चन हार्ड बनाना होगा एग्जामिनर को, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। और बाकी जो बची हुई हैं वो किस पीरियड की हैं? वो आपकी गुप्ता पीरियड की हैं। ठीक है दोस्तों, और जो रिसेंटली जो नई केप्स हैं इसमें जो बनाई गई हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं? तो आपकी वो केप्स नंबर 1 और 2 हैं, वो आपकी मोस्ट रिसेंट है, मतलब बहुत अभी की बनी हुई हैं। ठीक है दोस्तों, तो आगे चल लेते हैं। तो इनका यूनिक हेयर स्टाइल है, इसमें मुराल भी है और फ्रेस्को पेंटिंग्स भी हैं, इसको आपको जानने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अब हम डायरेक्टली चल ले रहे हैं कि जातक स्टोरीज़ क्या होती हैं। तो जातक स्टोरी वो स्टोरी होती हैं जो महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड होती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं जातक स्टोरीज़। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जातक स्टोरीज़ क्या होती हैं, तो वो आपकी होती हैं जो कि महात्मा बुद्ध के जीवन से रिलेटेड होती हैं। अब इसमें एक पॉइंट और याद रखने का है कि जो त्रिभंगा पोज है, त्रिभंगा पोज के बारे में पूछ लेता है। तो त्रिभंगा पोज में कौन कौन से आते हैं? बौद्धिस्ट लोग हैं या महात्मा बुद्ध हैं, उसकी त्रिभंगा से उसमें कौन कौन सी आती है? एक वज्रपाणी आती है, और आपकी आती है पद्मपाणी आती है, और मंजसूरी आती है। ठीक है, प्रोटेक्टर ऑफ द एंड गाइड ऑफ द सिंबल ऑफ बुद्धा पावर। तो वज्रपाणी होते हैं वो उनकी पावर के सिंबल होते हैं, मंजूसरी होती है मैनिफेस्टेशन ऑफ बुद्धास विजडम, तो बुद्धा की जो ज्ञान है उसके प्रतीक होते हैं, और आपकी जो पद्म पानी है वो आपकी कौन, इन्हें हम अलोकतेश्वर भी कहते हैं, जो उनके कंपैशन की सिंबल होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको याद रखनी है। तो इस तरह से इतना इम्पोर्टेंट था और जातक स्टोरी के बारे में ये है, अगर आपको पढ़नी है तो पढ़ लीजिए। बाकी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके यहाँ से आ सकते हैं बनडे एग्ज़ाम में या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अजंता से, वो इसी के अंदर के ही हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे चल लेते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारी मुराल पेंटिंग्स है। तो अगली है एलोरा की। एलोरा की भी आपका महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में, और कैलाश टेम्पल में ही ज़्यादातर
है, तो ये बात याद रख लीजिए। कहाँ पर है एलोरा? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में है ये, औरंगाबाद में। ये बात इसमें याद रखनी है। साथ ही साथ इसमें लक्ष्मी बॉम्ब, थॉट क्लाउड्स ऑफ गरुड़ा एंड गुजराती स्टाइल में बनी हुई है। ये कल्चर का, आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, तो इसमें आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बात और याद रख लीजिए कि बौद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म सबको, यानी कि सब धर्म की इसमें पेंटिंग्स हैं। और इसमें पेंटिंग्स कौन कौन सी हैं थोड़ा जान लेते हैं। इमेजेस ऑफ गॉडा गॉडेस लक्ष्मी एंड विष्णु, विष्णु और लक्ष्मी की हैं, और आपकी सेवा और उसके फॉलोअर्स की हैं, और अप्सराज भी हैं। ठीक है, तो ये बात रह गई आपकी एलोरा के पास की। अब हम आखिरी बात कर लेते हैं बाघ के पेंटिंग्स। तो बाघ के पेंटिंग्स हैं ये आपकी कहाँ पर है? ये आपकी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश की कैपिटल आपको पता होगी भोपाल। रिप्रेजेंटिंग एक्सटेंशन ऑफ अजंता स्कूल बाघ केव्स इन मध्य प्रदेश विद देयर एग्जीक्यूटिव वर्क रैंक क्वाइट क्लोज टू एक्चुअल अजंता केव्स इन टर्म्स ऑफ देयर डिजाइन एग्जीबिशन एंड डेकोरेशन द मेन डिफरेंस इज दैट फिगर आर लाइटली मॉडल्ड हैव स्ट्रॉन्गर आउटलाइन। तो उसमें और इसमें क्या है कि इसमें स्ट्रॉन्गर आउटलाइन कर दी गई है, मोर अर्थली एंड ह्यूमन, तो ह्यूमन से और पृथ्वी से बहुत ज़्यादा जुड़ी हुई है। तो देखो दोस्तों, हमने ये पूरी डिस्कस कर ली बात कि रिसेंट में क्या हुआ था और मुराल प्रिंटिंग्स क्या होती हैं, और जो आपकी अजंता एलोरा और बाघ केव से जो क्वेश्चन आएंगे उनको भी डिस्कस कर लिया। तो इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपके प्रश्न बन जाएंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो आपकी सुराई कोवर पेंटिंग्स हैं उनको जीआई टैग मिला है, और जीआई टैग के बारे में मैंने बताया वीडियो, उसको देख लीजिए। तो आपका जो सुराई कोवर है ये कहाँ से बिलोंग करता है? ये आपका बिलोंग करता है झारखंड के हजारीबाग से। कहाँ से? झारखंड के हजारीबाग से। और तलिया रुमाल है ये आपका तेलंगाना का। तो मुराल पेंटिंग्स क्या होती हैं? तो मुराल पेंटिंग्स होती हैं जो सॉलिड स्ट्रक्चर और आपके किस पर, ये आपकी वॉल्स पर बनाई जाती हैं। ठीक है, फिर हमने एलोरा और अजंता के बारे में बात की। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई कमी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम उसमें सुधार करेंगे। और आपसे अनुरोध सिर्फ इतना ही है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।